बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि रब से उसका फ़ज़ल मांगो, उसकी रहमतें मांगो। हम अपनी दुआओं में, इल्तिजाओं में, तमन्नाओं में, इबादात में अपने मसाइल का, तकलीफ़ों का, हर चीज़ का जो है वो बयान करते हैं, अल्लाह से हर चीज़ मांगते हैं कि हमारे आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए, मुश्किलात कम हो जाएं, हमें दौलत से नवाज दे, हमें अच्छे घर से नवाज दे, हमें दुनिया के बेहतरीन बंदों में शामिल कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी दुआओं में अल्लाह का फ़ज़ल कभी भी शामिल नहीं होता, इसलिए कि वो फ़ज़ल मांगना पड़ता है। अल्लाह का फ़ज़ल क्या है, अगर ये बात भी समझ आ जाए, दुआ की हद तक भी आ जाए, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि वो आपको अपनी रहमतों के साए में हमेशा रखे, वो किसी का भी आपको मोहताज ना करे, वो बीमारी के अंदर भी आपको इस दुनिया में मोहताजी की हालत में ना रखे। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। वो आपके घर में रिज़्क़ की हमेशा बारिश रखे, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। वो आपको तंग दस्ती, गुर्बत, अफलास, भूख, नंग और प्यास से बचा कर रखे, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। इन दुआओं में जो हम मांगते हैं कि या अल्लाह हमें कामयाबी दे दे, या अल्लाह हमें बैरून मुल्क सेटल करवा दे, या अल्लाह हमारी औलाद को बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता बना दे, इनके अच्छे घरानों में रिश्ते करा दे, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत हमने कहाँ मांगी? क्या वो दुआओं में शामिल थी? क्या वो दुआ का नंबर वन हिस्सा था? उसका फ़ज़ल और रहमत याद रखिए, अल्लाह का जब भी फ़ज़ल और रहमत आपकी तरफ आ जाए तो फिर तमाम चीज़ें उसी के अंदर हैं। क्यों? कि फिर आपने जब फ़ज़ल और रहमत उसकी मांग ली, वो आपसे राज़ी हो गया, तो फिर आपकी बाकी जितनी दुआएं हैं वो एक सेकेंडरी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं। आपने अक्सर व बेशतर देखा सुना होगा मुतअद्दिद बार कि फ़लाँ शख्सियत से मिलिए जी, इन पे अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ी रहमत है अल्लाह की, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, आसाइश वाली ज़िंदगी है। दर हकीकत वो अल्लाह का फ़ज़ल है, वो रहमत है, वो जिसका चाहे रिस्क बेहिसाब कर दे, जिसका चाहे रिस्क जो है वो तंग कर दे, ये उसके फ़ज़ल रहमत से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो सारा क्रक्स ये है कि अपनी दुआओं में अल्लाह का फ़ज़ल सबसे पहले मांगे, उसकी रहमतें सबसे पहले मांगे। क्यों? कि उसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें भी ज़रूर मांगे दुआओं में, जो जो आपकी इल्तिजा है, जो जो आप मांगना चाहते हैं अपने रब से मांगे। वो ख़जाने ऐसे हैं कि रोज़ अज़ल से चल रहे हैं और हमेशा रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन दुआओं के अंदर जब तक आप अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत नहीं मांगते, बाकी सारी दुआएं मांगते हैं, तो फिर वो खालिक़े कायनात, वो मालिक़े कायनात भी जानता है कि मेरा बंदा सिर्फ़ अपनी चीज़ों का बंदा है, अपनी गर्ज का बंदा है, उसे मेरा फ़ज़ल और रहमत नहीं चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें उसे दे दूंगा, लेकिन इसके अंदर से फ़ज़ल और रहमत नहीं होगी, बरकत उठा लूँगा, तो फिर ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा। कोशिश करें अपनी दुआओं में, अपनी इल्तिजाओं में, और जब भी उस बारगाह में हाथ उठाएं, अल्लाह का फ़ज़ल ज़रूर मांगें कि मालिक तू अपना करम और फ़ज़ल हमेशा मेरे साथ रखना, अपनी रहमतों की अनायात, अपनी रहमतों की बारिश हमेशा मेरे साथ रखना। क्यों? कि जिन लोगों को समझ आ गई ना कि अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत कितनी बड़ी चीज़ है, बाकी तमाम दुआएँ, तमाम नेमतें, तमाम आसाइशें, तमाम मुश्किलात उस फ़ज़ल और रहमत की छतरी के नीचे आ जाते हैं। फिर आपके घर मांगना दुआओं में, बच्चों की तालीम मांगना, अपनी सेहत मांगना, बैरून मुल्क के लिए सफ़र करना या सेटल हो जाना, औलाद के अच्छे रिश्ते मांगना, औलाद की कामयाबी देखना, ये फिर बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत किसी शख्स को ढांप लेता है ना, तो वो उस दुनिया पे, मैंने कहा ना कि आपको हज़ारों इंसान मिलेंगे, फ़लाँ चौधरी साहब से मिलिए, फ़लाँ मलिक साहब से मिलिए, फ़लाँ से मिलिए, देखिए जी इन पे अल्लाह ने अपना फ़ज़ल किया हुआ है, इनके सारे बच्चे बैरून ममालिक सेटल हैं,
यहाँ पर इनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, आसाइशें, गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर, ये दर हकीकत सब कुछ अल्लाह का फजल और करम है। तो कोशिश करें कि जब भी दुआ मांगें, आज का मैसेज बिल्कुल मुख्तसर सा इतना सा ही है, ये कोई मजहबी टॉपिक नहीं है, कोई मजहबी बहस नहीं है, मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ इसलिए कि हर बात के कई मानी और मतालब आज के दौर में निकाल लिए जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इतनी सी इल्तिजा है, जब भी दुआ मांगे ना उसमें अल्लाह का फजल, उसकी रहमत ज़रूर मांगे, इसलिए कि फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जिस दिन आपको अल्लाह का फजल और रहमतें, वैसे तो सुबह से शाम तक सारी ज़िंदगी तक बेपनाह अनायतें, करम, हर लम्हा, हर सांस, हर लहजा, हर आन है, लेकिन जब स्पेसिफिकली आप फजल और रहमत मांगेंगे ना तो फिर आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि अल्लाह का फजल और रहमत क्या चीज़ है। मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।